हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे इस आरआरसी जोन से फॉर्म भरे थे उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। फ्रेंड्स, दोबारा से आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाने के लिए आरआरसी जो कि हेडक्वार्टर है जहाँ पे, वहाँ पर जाना होगा। अब बहुत सारे बच्चों का लिस्ट जारी कर दिया है किन किन बच्चों का दोबारा से आरआरसी जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाना है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए, और उन सभी बच्चों का लिस्ट जारी कर दिया। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि किन किन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन दोबारा से कराने के लिए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये कौन सी जोन है। तो आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही रेलवे भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए, चाहे वो किसी भी जोन के हो गए। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, मैं खुद एक सेलेक्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ रेलवे में, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही सारा कुछ बताने का आप लोगों को कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, आप लोग मैं ये नोटिफिकेशन बताता हूँ आप लोगों को। जो नोटिस निकल के आई है ना, ये आरआरसी कोलकाता की तरफ से निकल के आई है, और ये नोटिस क्या निकल के आई है कि दोबारा से आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करने के लिए जो कि फिट इन B2 C1 मेडिकल कैटेगरी में फिट किया गया था बच्चों को, और इन सभी बच्चों का ना क्या था ना कि मेडिकल कैटेगरी दिया गया था B2 एंड C1, ठीक है, लेकिन इन सभी बच्चों का ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ था, पैनल में नाम नहीं अभी तक आया था, ठीक है, और इसी कारण से एक साल से करीब बच्चों वेट कर रहे थे। इन सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो फर्स्ट स्टेज में हो गया था, लेकिन अभी तक इन सभी बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। तो इन सभी बच्चों का क्या हुआ है ना, रीचेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए दोबारा से नोटिस पब्लिश किया गया, और बहुत सारे बच्चों का दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा, और इसका PDF फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग PDF फाइल लेकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप लोग का अपना नाम तो नहीं है आप लोग का कहीं, तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा आप लोग आरआरसी कोलकाता जोन से फॉर्म भरे हैं ग्रुप डी का, तो ठीक है। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं PDF फाइल डाउनलोड करता हूं सबसे पहले। चलिए देखिए, मैं ये PDF फाइल डाउनलोड कर लिया हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेट ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ये आरआरसी कोलकाता का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, और क्या किस रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया, किस चीज़ के लिए, तो नोटिस फॉर द रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स हु आर फाउंड जो कि फिट इन B2 एंड C1 मेडिकल कैटेगरी अगेंस्ट आरआरसी CEN 01/2019, यानी कि 01/2019 ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी जो 2019 में ना जितने भी बच्चों को ना फिट इन जो कि फिट किया गया था B2 और C1 मेडिकल कैटेगरी, उन सभी बच्चों का दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया गया है। देखिए क्या बोला गया है आप लोगों का, यहाँ पर सारा कुछ मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, और नीचे लिस्ट दी गई है बहुत सारे बच्चों का, और कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका भी लिस्ट डेट दे दिया गया, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है इन सभी बच्चों का। तो देखिए आप लोग बताया गया है क्या चीज़। देखिए द फिट देखिए द फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन DV ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट आरआरसी CEN 01/2019 वाज हेल्ड फ्रॉम 24 फरवरी 2023 से 16 मार्च 2023, यानी 24 फरवरी से 16 मार्च के बीच चला था। देख सकते हैं आप लोग, करीब एक साल हो गया, आज 2024 आ चुका है, अप्रैल 2024, देख सकते हैं आप लोग एक साल से अधिक हो गया। सम कैंडिडेट्स Who had been found fit in B2 and C1 medical category, कुछ बच्चे ना क्या हुए थे B2 और C1 category में फिट पाए गए थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या बताया गया है, फिट में मेडिकल कैटेगरी वेयर किप्ट पेंडिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पोस्ट इन द रिक्वेस्टेड मेडिकल कैटेगरी, यानी कि इनको जो ना क्या हुआ था ना, पेंडिंग में रखा गया था एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि क्यों रखा गया था, क्योंकि ना इनको पोस्ट कोई अलॉट थी ही नहीं जो कि B2 और C1 के लिए मेडिकल कैटेगरी की होती, ठीक है। द फॉलोइंग कैंडिडेट आर हियर बाई एडवाइज टू बी प्रेजेंट एट द ऑफिस ऑफ आरआरसी ईस्टर्न रेलवे फर्स्ट फ्लोर, यानी कि अब दोबारा से क्या होगा, इन सभी बच्चों को जितने भी बच्चों का लिस्ट में नाम दिया गया, इन सभी बच्चों को इस एड्रेस पे आरआरसी ईस्टर्न रेलवे फर्स्ट फ्लोर IRITES बिल्डिंग 56 चितरंजन एनएक्स कोलकाता, देखिए आप लोग को इस बिल्डिंग में जाना है, नियर सेंट्रल मेट्रो रेलवे स्टेशन की मेट्रो जो कि सेंट्रल मेट्रो रेलवे स्टेशन है उसी के नियर में ये एड्रेस है, वहाँ पर जाना है। और कब जाना है, रिपोर्टिंग डेट एट 10:30 बजे फर्दर प्रोसेस, आगे प्रोसेस के लिए 10:30 बजे आप लोग को रिपोर्ट करना है, किस डेट पर रिपोर्ट करना है तभी आप लोगों को सारा डेट भी बताया गया है, ठीक है। द नेम ऑफ द कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट और फर्दर प्रोसेस आर मेंशन बिलो विथ दियर रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, आप लोगों का टेबल में दिया गया, और देख सकते हैं मैं आप लोगों को बहुत बड़ी न्यूज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को आरआरसी कोलकाता वाले बच्चों के लिए, और इन सभी बच्चों को दोबारा से जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाना पड़ेगा। देख सकते हैं ये फर्स्ट जो बच्चे हैं, इनका रोल नंबर यहाँ पर दे रखा है, इनका नेम यहाँ पर दे रखा है, और इनका जो जाकर रिपोर्टिंग करवाना है ना 10:30 बजे
25 अप्रैल को 10:30 बजे इनको रिपोर्ट करना है। जाकर ऊपर जो मैंने आप लोग को एड्रेस बताया, इस एड्रेस पर जाकर सभी बच्चों को रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पर जाकर 25 तारीख को रिपोर्ट करना है। और ये सभी बच्चों अपना नाम देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का इस लिस्ट में नाम दिया गया, जैसे कि सभी बच्चे रजत पाल है, इनका 25 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, इनका रोल नंबर ये दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही करके बहुत सारे बच्चों का नाम दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि इस बच्चों का राहुल घोष है, 25 अप्रैल को इनका भी है, 11 का नंबर कैंडिडेट है, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पर दे रखा है इन सभी बच्चों का। तो बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा चेक करने के लिए नाम दे दिया गया। और कितने बच्चों का नाम दिया मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं आप लोग एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, 25 तारीख के साथ साथ 26 अप्रैल को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। देखिए जैसे चंदन कुमार झा ये कैंडिडेट, इनका रोल नंबर यहाँ पे चंदन कुमार झा, और 26 अप्रैल को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। और उसी एड्रेस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो बहुत सारे बच्चों का आप लोग का नाम दिया है, सभी बच्चे अपना नाम चेक कर ले ताकि कोई मिस्टेक ना हो आप सभी से। देखिए ये बच्चे रोहित कुमार दास है, और 26 अप्रैल को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से होने वाला है, ठीक है। और कितने बच्चों का टोटल नाम दिया गया था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चों का नाम दिया गया है, करीब आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ आप अच्छे से, ठीक है। और इसका PDF फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, करीब 160 कैंडिडेट है ना जिनका दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और ये आप लोग का चलने वाला है कब से कब तक, तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, कब से 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 25 तारीख से लेकर के आप लोग का 30 अप्रैल तक चलने वाला है, यानी कि लगभग 5 दिन आप लोग का चलने वाला है, ठीक है। 25 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल तक चलने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और टोटल 160 कैंडिडेट को बुलाया गया है। और एड्रेस मैं आप लोग को ऊपर दिखा दिया हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी डाउट रहे इसके बाद भी ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए आगे क्या बताया गया, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। द एबव मेंशन कैंडिडेट आर आल्सो इंस्ट्रक्टेड टू बिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज इंस्ट्रक्टेड इन द CERC 01/2019 एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज पर DV इंस्ट्रक्शन अपलोड ऑन RRCER वेबसाइट, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी कि उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना, और सेल्फ अटेस्टेड उसका जीरोक्स कराकर और सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, और चार फोटो को आप लोग को लेके जाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद से सारा आप लोग को ये बताया गया है। अगर आप लोग कैटेगरी से है OBC से है तो OBC सेंट्रल फॉर्मेट में लेके जाना है आप लोग का एनेक्चर जो 2 होता है। अगर आप लोग SC ST है तो ST ST के लिए आप लोग का एनेक्चर 1 लगेगा। अभी आप लोग आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा कैसे आप लोग को डॉक्यूमेंट बनवाना है SC ST का एनेक्चर, आप लोग का लिंक जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद से आप लोग अगर ITI से भरते हैं NCVT सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर नॉन क्रिमिलियर्स बच्चे हैं तो आप लोग नॉन क्रिमिलियर का डिक्लेरेशन लेके जाएंगे, हाई स्कूल का मार्कशीट लेके जाएंगे ओरिजिनल और जीरोक्स के साथ साथ, और आप लोग का सब कुछ ये लेके जाना है, ठीक है। तो आप लोग को सारा कुछ डॉक्यूमेंट बताया गया, कौन कौन सी चीज़ डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसके बाद इनकम एंड असिस्टेंस EWS वाले बच्चों के लिए, ये EWS वाले बच्चे अपना कैटेगरी लेके जाएंगे, ठीक है। बाकी सारा कुछ NOC ये सब सेल्फ अटेस्टेड ये जावला डॉक्यूमेंट देख सकते हैं क्या क्या लेके मांगा गया है, ठीक है आपसे। तो आप लोग ये सभी लेके जाना है। अगर आप लोग लिस्ट में नाम है तो आप लोग जो भी डेट आप लोग का नाम के आगे दिया गया उसी डेट में आप लोग को 10:30 बजे के रिपोर्ट में कर देना है उस एड्रेस पर आप लोग को दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाने के लिए, ठीक है। डज नॉट कंसिडर राइट अपॉइंटमेंट फॉर, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को देखिए, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर नाम दिया, जैसे स्टूडेंट का नाम देखिए उत्तम कुमार नाम है, ठीक है। 29 अप्रैल को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, 114 नंबर कैंडिडेट है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का फ्रेंड्स नाम दिया गया है, सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से जाना होगा अब। और एक तरह से एक साल से बच्चे वेट कर रहे थे, सोच रह सकते हैं आप लोग इन सभी स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी कि एक साल हो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल करवाए लेकिन आज तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है, करीब एक साल हो गया, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट में दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जाइएगा, और कोई भी डाउट रहे आप लोग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप लोग वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब यहीं पर वीडियो किसको एंड करते हैं, और इसका PDF फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।